बरमी मैं मोहम्मद बशारत जनाब इमरान खान साहब का नामजद करदा उम्मीदवार हल्का आपसे मुखातिब हूँ मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए आप तक चंद हक पहुंचाना चाहता हूँ आज इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक तहरीरी मरासला भेजा है और मैंने उनकी तो जो मफजूल कराई है चंद ऐसे वाक्यात की तरफ जो मेरे हलका में रोजाना का मामूल बन चुके हैं आप यकीन कीजिए जिस दिन से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है मेरे हल्के में एक भी कॉर्नर मीटिंग जो है उसका इनका नहीं हो सका क्योंकि जहां कहीं हमारे कारकुन इकट्ठे होते हैं पुलिस उनको उठा कर ले जाती है इसी तरह रिकॉर्ड शायद है इस बात का कि पूरे हल्का एन ए में पुलिस ने मेरा एक ऑफिस भी नहीं खुलने दिया और जो शख्स भी मेरा ऑफिस खोलने की कोशिश करता है पुलिस रात को उसको उठाकर ले जाती है गुजश्ता तीन चार दिन से इस सिलसिले में काफी तेजी आई मेरे हल्के के इंतहाई मोजिज अरकिन जो हैं उनके घरों में छापे मारे गए चादर और दीवारी का तकदस जो है उसको पामाल किया गया उनके बच्चों को उठा कर ले, ले जाया गया और आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूं इस वक्त भी उनके बच्चे थानों में पाबंदी लाभिल है मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तोजो मफजूल कराते हुए ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जिस कैंडिडेट का एक ऑफिस ना खुलने दिया जाए जिसको कैंपेन ना करनी दी जाए जिसके कारकुनान को उठा लिया जाए तो फिर मैं समझता हूं कि फिर मैं जनाब आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकता कि जिन्होंने अपनी इंतहाई वफादारियां निभाते हुए ये सब कुछ होने दिया इसी तरह मैं तो मफजूल करवाना चाहूंगा जीरो पंजाब की भी कि जो मीडिया की हद तक मीडिया में आकर ये दावा तो जरूर करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी मैं उनसे इस्तद करता हूं कि आज सिर्फ अपने तौर पर एक सर्वे करवा लें और यह चेक करवा लें कि हल्का पचपन में कौमी असेंबली के उम्मीदवार के कितने खुले हुए हैं एक ऑफिस भी नहीं है मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि क्या ऑफिस न खुलने से लोगों का जहन जो है उसको बदल दिया जाएगा क्या ऑफिस न खुलने से या कंपेन न करने देने से लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को निकाल दिया जाएगा ये कथी तौर पर नहीं होगा मैं समझता हूँ कि आज हमारे वोटर्स का ये अजम है कि जितनी भी उनके साथ ज्यादती होती है उतना ही उनका अजम जो है वो पुख्ता होता जा रहा है और वो हमारे साथ कमिट होते जा रहे हैं इन शाह तला आठ फरवरी को हल्का एन ए बचपन के अवाम कौमी असम्बली के लिए केतली पर मोर लगा कर मुझे मंतख करेंगे और इसी तरह हल्का पी पी चौदह के लिए सरदार नासिर साहब को जिनका इंतवी निशान मेज है उनको मंतब करेंगे और हल्का पी पी फिफ्टीन जयाद के साहब जिनका इंतवी निशान विकटे हैं उनको मंतख करेंगे और ये साबित करेंगे हम किसी भी जबर तशद या धांधली से मुतासर होने वाले नहीं हैं हमारा अजम जो है और हमारा हौसला जो है वो बुलंद है और इन शाल